के हराम खोर नेता हमारे आपका कैसा शोषण कर रहे हैं। वही डॉक्टरों प्रमुखों से जो आवाज चल रहे हैं, जो किसानों अधीक्षक डॉक्टर अभी उत्तर उनके साथ में क्या करना चाहिए। जब तक ये विचार हम आप नहीं करेंगे, हमारा आपका कल्याण होने वाला नहीं है। चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा जो है, जो पार्टी के पदाधिकारी थे उनके ऊपर यूनियन बनाकर के एक मुकदमा लिखाया गया। और दूसरी समस्या आपकी जो है वो खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो चिकित्सक डॉक्टर अनिल कुमार पंकज नियुक्त है उसका स्थानांतरण किया गया, लेकिन स्थानांतरण होने के बावजूद भी उनके द्वारा यहीं पे कार्य किया गया। हमारे साथ और लोग भी उनसे जाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका है? मैं मनीष त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जी। ऐसा है, हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, एक तो सीएससी का मामला है, उसमें डॉक्टर अवनीश कुमार अधीक्षक जो है उनको एक लेटर ज्ञापन दिया गया और यहाँ स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया उन्होंने कहा कि टीम गठित कराके जांच की जाएगी। जांच में उन्होंने जिन लोगों के हमने दिए उन लोगों के ना करके इधर उधर के करके और जिन लोगों के हॉस्पिटलों के हम लोगों ने नाम दिया था उन लोगों से मीटिंग करके संगठन के पदाधिकारियों के ऊपर तहरीर दिलवाई गई, मुकदमा लिखवाया गया, मुकदमा नहीं लिखाया गया, तहरीर दिलवाई गई और एक षड्यंत्र तरीके से किया गया। बताइए, जब जांच अधिकारी ही ऐसा करेगा तो न्याय की अपेक्षा क्या है? आप बताइए, एक मामला सीएससी खैराबाद का है, डॉक्टर अनिल कुमार पंकज का 17 अगस्त को जो है जलालपुर में ट्रांसफर हुआ, वो वहां ज्वाइन नहीं किए। उसके बाद मैं 2 तारीख को अमरन सर पे बैठा तो उनका एलिया कर दिया गया। एलिया के बाद फिर रात भर में साठ गांठ हुई, सेमो साहब से क्या हुई मैं नहीं जानता हूँ, फिर खैराबाद सीएससी अंतर्गत कर दिया गया। तो ये रात भरे में क्या खेल हो रहा, या तो सेमो असमर्थ है और या पैसे ले रहे, दो ही कारण है। हम लोग जो हॉस्पिटल सीज करवाते हैं वो दिन में सीज हो जाते,
रात में साठ गांठ होकर सुबह फिर चालू हो जाते, तो यह क्या चीज है? अगर जो भी सीज हो, कार्रवाई हो, जिनके पास रजिस्ट्रेशन हो, वही हॉस्पिटल चले, जो सीज हो उनको सीज रहने दिया जाए। इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम लोग ज्ञापन दिए थे, लेकिन सामो महोदय ने कार्रवाई नहीं की, हम लोगों ने घेराव किया है। अगर हम लोगों की वार्ता सफल रहती तब तो ठीक है, नहीं तो सड़क को संसद बनाने का काम करेंगे, लड़ाई आर पार लड़ेंगे, आज तभी घर जाएंगे, नहीं तो घर नहीं जाएंगे। आपकी यहाँ पे मूल दो समस्याएं हैं, एक पिसावा सीएससी और दूसरी सीएससी खैराबाद। वहाँ पे पिसावा अधीक्षक जो है उनका स्थानांतरण किया जाए, और खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे जो डॉक्टर अनिल कुमार पंकज हैं, जो लगातार ट्रांसफर होने के बावजूद भी खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर काम कर रहे हैं, उनका स्थानांतरण खैराबाद ब्लॉक से हटा करके दूसरी जगह किया है। किसान इनके पदाधिकारियों का कहना है कि आज अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो सड़क को संसद बनाने का काम किया जाएगा। खैराबाद से इंडिया के लिए धीरज शुक्ला। उनके क्षेत्र में जो भी झोला छाप जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, कोई कार्रवाई होती है तो एक मांग है आपकी ये है कि वहाँ सीएससी खैराबाद में डॉक्टर अनिल कुमार पंकज का ट्रांसफर करें, जो खैराबाद ब्लॉक से खैराबाद सीएससी से हटाना तो हमने हटा दिया था, अब मांग ये है कि उसको ब्लॉक से पीएससी पर भी ना रखा जाए, ठीक है वो दूसरी पीएससी पर रखा करते, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, पीएससी अधीक्षक डॉक्टर अवनीस अधीक्षक को बैठा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।